मम्मी जी पापा सारी सारी रात खांसते हैं, मेरी तो पूरी नींद ही खराब हो जाती है। ऐसा करिए, आप पापा जी को कहीं और शिफ्ट कर दीजिए। क्या कह रही हो बहू तुम? कहीं और से क्या मतलब है तुम्हारा? दो ही तो कमरे हैं, ऊपर की दो छत्ती खाली है ना, बस वहीं शिफ्ट कर दीजिए। कुछ दिनों की तो बात है, जब खांसी ठीक हो जाएगी फिर नीचे आ जाएंगे। ठीक है बेटा, हम लोगों को तो वैसे भी शिफ्ट करने की आदत ही पड़ी है। मंजुला ने इस घर को बड़ी मुश्किलों से बनवाया था। पुश्तैनी जायदाद तो थी नहीं, क्योंकि सास ससुर किराए के घर में रहते थे। मंजुला की बड़ी इच्छा थी कि अपना खुद का घर हो, चाहे छोटा ही सही। तनय की कोई बहुत बड़ी कमाई तो थी नहीं, लेकिन मंजुला किसी भी तरह से घर का खर्च बखूबी चलाकर थोड़े थोड़े पैसे जोड़ती रहती। घर के बगल में रहने वाले राजेंद्र अंकल अपनी जमीन का छोटा सा टुकड़ा बेच रहे थे। जैसे ही मंजुला को पता चला और वो पहुंच गई राजेंद्र अंकल के पास। अंकल, मैंने सुना आप अपना छोटा सा जमीन का टुकड़ा बेच रहे हैं। हाँ बेटा, मेरे भर का बहुत है तो सोचा थोड़ा सा हिस्सा बेच दिया जाए, लेकिन बेटा छोटी सी ही जगह है। मुझे अपनी हैसियत के अनुसार छोटी सी ही जगह चाहिए अंकल, आप मेरे हाथ बेच दीजिए वो जमीन। अरे इससे अच्छा क्या होगा, जान पहचान वालों के पास ही रहेगी और मुझको भी तुम लोगों से सहायता मिल जाया करेगी। शाम को मंजुला ने तनय को बताया। तनय तो एकदम से घबरा कर बोला, ये कैसे हो सकता है, मेरे पास रुपए वुपए नहीं है। तनय पहले मेरी पूरी बात तो सुनो, मैंने सालों से घर खर्च बचा बचा कर रुपए रखे हैं, प्लाट भर के तो हो ही जाएंगे और फिर जब जमीन अपने पास हो जाएगी तो धीरे धीरे बनवा भी लेंगे। और इसी तरह से बचत कर करके मंजुला ने अपना छोटा सा अपने सपनों का घर बनवा लिया। जब मंजुला ने बेटे मयंक की शादी की तो अपना बेडरूम मयंक और चारू को दे दिया और खुद बाहर बैठक में शिफ्ट हो गई। थोड़े दिन तो हंसी खुशी गुजरे, लेकिन चारू को लगता कि बैठक में चार मिलने जुलने वाले लोग आते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता कि मम्मी पापा वहीं बैठे रहते हैं। ऐसा करिए, अपना स्टोर भी तो काफी बड़ा है। स्टोर क्या, पूरा कमरा है वो, आप लोग वहीं शिफ्ट हो जाइए। बहू ठीक ही तो कह रही है, मयंक थोड़ा कुनमुनाया। हम लोग रह लेंगे स्टोर में, आप लोग नहीं। लेकिन मंजुला ने उसको समझा दिया, बहू अभी नई नई है, बहू को कहां स्टोर में रखोगे। और मंजुला स्टोर रूम में शिफ्ट हो गई। जब देखो तब चारू कोई ना कोई सामान निकालने के लिए आ ही जाती। तनय के आराम में खलल पड़ता तो वो खिसिया जाता, लेकिन मंजुला बड़े प्यार से समझा देती, बहू को ही तो सब काम संभालना पड़ता है, जब जरूरत होगी तो आएगी ही। धन्य हो तुम मंजुला, इतना धैर्य कहां से लाती हो। और आज तो चारू ने हद ही कर दी कि पापा को दुछत्ती में शिफ्ट कर दीजिए। फिर भी मंजुला घर की शांति को लेकर चुप लगा गई और तनय से बोली, पता नहीं क्यों आजकल मन अजीब सा घबराने लगता है बंद बंद से, क्यों ना हम लोग दुछत्ती पर चलकर सोएं, खुली हवा मिलेगी तो अच्छा लगेगा। भोला भाला तनय मंजुला के शब्दों में छुपे दुख को समझ ना सका और तनय मंजुला दोनों का बिस्तर चारू ने फटाफट दुछत्ती पर लगवा लिया। शाम को जब मयंक दुकान से वापस आया, मम्मी पापा कहाँ हैं? ऊपर दुछत्ती पर। वहां क्या कर रहे हैं? वो लोग बोले नीचे अच्छी नींद नहीं आती, बंद बंद सा लगता है, अब से वहीं पर सोएंगे। ये कैसे हो सकता है, घर के स्वामी स्वामिनी दुछत्ती पर सोएं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अरे सोने दीजिए ना वहीं, पापा को खांसी भी तो कितनी आती है। ये क्या कह रही हो तुम, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। और धड़धड़ाता हुआ मयंक दुछत्ती पर पहुंच गया। मम्मी पापा ये सब क्या है? कुछ नहीं बेटा, यहां हम लोगों को आराम रहेगी। अपने आंसुओं को छिपाने का प्रयास करते हुए मंजुला बोली, तो फिर ठीक है, मैं भी यहीं आप लोगों के साथ ही सोऊंगा, जब तक आप नीचे नहीं चलेंगे मैं भी नहीं जाऊंगा। ऐसा ना कर मेरे बच्चे, ये सब तुम्हारे लिए ही तो है। हाँ मम्मी, मैं भी यही कह रहा हूं कि ये सब कुछ मेरे लिए है, तभी तो मुझको आपके पास ही सोना है। और मयंक रोता हुआ मंजुला के पैरों में लौट गया। मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई जिसकी सजा आप मुझे दे रहे हैं? आखिर मम्मी पापा को नीचे बैठक में ही लाकर माना मयंक। आज से आप लोग स्टोर रूम में भी नहीं, यहीं बैठक में ही रहेंगे, चाहे कोई आए या ना आए, घर के स्वामी स्वामिनी अपने रहने की जगह शिफ्ट नहीं करेंगे। मंजुला की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। लोग झूठ ही कहते हैं कि बहू के आने से बेटा भी पराया हो जाता है। और मंजुला मन ही मन मयंक को अनंत आशीषें लुटा रही थी और अपने संस्कारों पर उसे बेहद गर्व हो रहा था।
दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।